रामलीला संस्थान की कार्यकारिणी का हुआ गठन। उत्सव नगरी कोसी कला में रामलीला संस्थान के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न होने के बाद रामलीला संस्थान के नव निर्वाचित अध्यक्ष अजय कुमार मंगला के द्वारा नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। नवीन कार्यकारिणी का गठन होने के बाद रामलीला संस्थान के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें रामलीला संस्थान के समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी उपस्थित रही। रामलीला संस्थान के अध्यक्ष अजय कुमार मंगला एवं मंत्री अरुण कुमार शर्मा के द्वारा नवीन कार्यकारिणी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समन्वयक हरेंद्र पाल सिंह, संयोजक अजय गोयनका, सह संयोजक जीती चौधरी, उपाध्यक्ष कैलाश चंद, मंत्री अरुण कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष मनीष जैन, मीडिया प्रभारी ऋषि मंगला आदि दर्जनों लोगों को पद देकर एक नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। रामलीला संस्थान के अध्यक्ष एवं मंत्री ने रामलीला महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस बार की रामलीला महोत्सव में नगर को सुंदर सुंदर सुसज्जित लाइटों एवं जगह जगह पर द्वार बनाकर नगर को सजाया जाएगा। नगर के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर सुसज्जित प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। इस संबंध में रामलीला संस्थान के अध्यक्ष अजय कुमार मंगला एवं मंत्री अरुण कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया। मतलब क्या कुछ जानकारी देंगे आज की प्रेस वार्ता जो की गई है, क्या आज के संबंध में प्रेस वार्ता की गई है? 2024 के रामलीला महोत्सव की संपूर्ण कार्यकारिणी का गठन किया गया है और जो बस्ती से हमें इस वर्ष 2024 के मेले के लिए सहयोग मिला है वो हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है। उम्मीद करते हैं कि हमें बस्ती माता का एवं सभी दानदाताओं का सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। समस्त पत्रकार बंधुओं से भी हम यही निवेदन करेंगे कि श्री रामलीला मेले को भव्य एवं जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। इस बार रामलीला में क्या मुख्य बिंदु रहेंगे? रामलीला में मुख्य बिंदु बाजार की साज सज्जा, झांकियों में प्राथमिकता एवं सुंदरता और लीला मंचन में भी अधिक से अधिक अच्छी झांकियां एवं बाजार को साज सज्जा के साथ मेले को भव्य बनाने की हम पूर्णतः प्रयास करते हैं। हर वर्ष की बात है, कोसी कला में भी इस बार रावण और कुंभकर्ण जो है वो ज्यादा ऊंचे बनाए जाएंगे या फिर नहीं? रावण और कुंभकर्ण के जो भी बनते हैं वो उसी तरीके से बनाए जाएंगे जैसे पहले बनते आ रहे हैं। मतलब क्या कुछ रहेगा इस बार, मतलब रूट क्या रहेगा झांकियों का, क्या कुछ? ये झांकियों का जो रूट हमारा मेरा द्वार से चलता आया है उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो परंपरागत झांकियाँ निकल के आई हैं वही इस बार भी जो झांकियाँ निकलेंगी उसमें कोई फिर बदलाव नहीं किया। बस ये है कि एक बार कुछ कारणों से बीच में हमारे ग्यारह ट्रस्ट का समय नहीं मिला था, लेकिन इस बार से पुरानी जो हमारे समय से ग्यारह ट्रस्ट के 40 साल से लगभग चली आ रही थी इस बार भी सारे मेले ग्यारह ट्रस्ट समिति भवन से ही संपन्न होंगे। हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। एक राम बरात काली मेला पर इस बार क्या कुछ नया हुआ? राम बरात काली मेला पर इस समय ये समझिए कार्यक्रम को भव्यता की दृष्टि से, दिव्यता की दृष्टि से देखते हुए हम पूरा पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। बाहर से राजकुमार बैंड परंपरा का जो आ रहे हैं वो भी इस बार आ रहे हैं, यश कीर्ति बैंड आ रहे हैं, मतलब कई सारे बैंड इस बार नए भी आ रहे हैं और मेले को पूरा भव्य दिव्य बनाने का हमारा पूरा प्रयास है और कोसी कला नगरी को भी इस बार धर्म की तरह सजाने की ओर प्रयास। तो कितने बैंड रहेंगे इस देखिए राम बरात पर? लगभग 6 बैंड से भी ज़्यादा संख्या हो सकती है और यही स्थिति वर्तमान पर वहाँ पर वर्तमान पर 7 से 8 बैंड की परियोजना।